हाय दोस्तों, रेकवार इलेक्ट्रॉनिक में आपका एक बार फिर से बात करता हूँ। भीम सिंह रेकवार। दोस्तों, आज मेरे पास एक 42 इंच का LCD टीवी आया हुआ है। ये इसका देख लीजिए, विल्सन नाम से है, और इसका मॉडल नंबर दिखा देता हूँ आपको। ये मॉडल नंबर देख लीजिए, यहाँ पे ये मॉडल नंबर लिखा हुआ है दोस्तों, LCD4240W57P। ये इसका मॉडल नंबर है, इसका वाट लिखा हुआ 250 वाट का है जी, और मेगाहर्ट्ज़ सारी चीज़ें इस पर लिखी हुई है। और अभी ओपन नहीं किया हूँ, यहाँ से इसको यहाँ देख लीजिए। इसका पुराना बोर्ड है और HE सॉकेट, और देख लीजिए बड़ा सेट है। ये 42 इंच लिखा आता है, लेकिन साइज बहुत बड़ा होता है इसका, बहुत बड़ा सेट है ये, देखिए आप। तो इसमें क्या दिक्कत है दोस्तों, इसको चलिए मैं पावर देता हूँ, उसको पलटी करूँगा। भारी सेट है बहुत, इसमें वजन है दोस्तों, इसमें वजन बहुत ज़्यादा है इस सेट में। तो चलिए, तो दोस्तों सेट मैंने पलटी कर लिया हूँ, इसका लोगो देख लीजिए। और मैं इसको यहाँ से पावर सप्लाई, यहाँ से AC पावर दिया मैंने, यहाँ से मैंने AC दे रहा हूँ, अभी ऑफ है ये, यहाँ से मैंने इसको सप्लाई दी। तो आप देखेंगे यहाँ पे इंडिकेटर इसका आ चुका है, रेड लाइट इस पर आ रहा है, और यहाँ पे इसमें साइड की दी हुई है। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे तो साइड की नहीं है, इस तरफ होगी शायद इसकी साइड की। ये हाँ दोस्तों, यहाँ पे इसमें देख लीजिए साइड की यहाँ पे दी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक बड़ा सेट है, और यहाँ आप देखिए दोस्तों, ये साइड की इसमें दी हुई है, देख लीजिए, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये साइड की यहाँ पर वाली दी हुई है। तो इसमें पावर मैं ऑन करूँगा, अभी थोड़ी देर रुकता हूँ। और कभी ये सेट ऑन हो जाता है, कभी नहीं होता, कभी हो जाता है कभी नहीं होता, इसमें एक समस्या है। अभी मैं जिसको यहाँ से प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ से अभी सेट ऑन नहीं हो रहा है, ये थोड़ी देर में ऑन होगा, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। तो दोस्तों, फिर से मैं इसको यहाँ से पावर इसका ऑन करता हूँ, कुछ देर गर्म होने के बाद देखिए, ये इंडिकेटर यहाँ से रेड था, ब्लू हो गया यहाँ पे देखिए। और कुछ देर देखेंगे आप, कुछ सेकंड के बाद स्क्रीन इस पर डिस्प्ले आने लगेगा, थोड़ा सा समय लेता है, देखते जाइए। तो देखिए दोस्तों, इस पर डिस्प्ले आ गया, और डिस्प्ले इस पर आ रहा है, और देखिए किस तरह से ये होने लगता है, कभी 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 कुछ होने लगता है इस पर। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, देखते हैं, खोल के उसके देखते हैं क्या समस्या बन रही है। चलिए ओपन करते हैं। तो दोस्तों, कर लिया हूँ मैंने सेट ओपन, और आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, देखिए इसमें जो पावर सप्लाई है, PSP पावर सप्लाई है, कितना बड़ा है ये, और इसी में ही इसका LCD है ये। तो इसमें देखिए, इसी में इसका इसमें LCD ड्राइवर भी इसी में ही पूरा लगा हुआ, बना हुआ है इसी बोर्ड के अंदर। देख लीजिए कितने ट्रांसफार्मर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रांसफार्मर हैं इसमें, एक CFL, 8 CFL रॉड लगी हैं इसके अंदर, 8 CFL लगी हुई है। और तो चलिए दोस्तों, मैं ये बोर्ड है और सारी चीज़ इसमें आपको दिखा दिया, और इसको मैंने थोड़ा क्लीन भी कर लिया था इसका। चलिए तो मैं आपको यहाँ पे मॉडल नंबर भी दिखा देता हूँ, देख लीजिए इसका ये मॉडल नंबर है, ये पैनल का मॉडल नंबर है RB, यहाँ देख लीजिए ये लिखा हुआ है, इसका मॉडल नंबर सॉरी यहाँ देख लीजिए ये लिखा हुआ है। और ये इसका देखिए बड़ा सा टीकॉन लगा हुआ है, ये भी रिपेयर हुआ है, इसका DC to DC IC भी देखिए चेंज किया हुआ है, और यहाँ पर आप देखेंगे, देख लीजिए इसको रिपेयर किया हुआ है, और इसका बोर्ड। तो चलिए इसके वोल्टेज वगैरह चेक करते हैं कैसा क्या है सारी चीज़ें। तो दोस्तों, यहाँ से मैंने इसको AC वोल्ट दी हूँ, रेड इंडिकेटर इसमें आ रहा है दोस्तों, अभी सेट स्ट्रेन वाइज से रिलीज नहीं हुआ, तो ये क्यों नहीं होता है इसकी समस्या को देखेंगे दोस्तों। ये इसकी पावर सप्लाई पूरा क्लीन व्लीन करके ओके कर चुके थे, आपको पहले ही बता चुका हूँ। चलिए मीटर को रखता हूँ मैं वोल्ट यहाँ पर, और आपको मैं थोड़ा सा दिखाऊँगा दोस्तों कि वोल्टेज। देखिए यहाँ दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, देखिए 5 वोल्ट मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए दोस्तों
देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। देख लीजिए, इसका लिखा हुआ पीला वाला ग्राउंड एसटीवी 5 वोल्ट 12 वोल्ट ग्राउंड आरवीआई और स्विच। देखिए इसमें लिखा हुआ है स्विच ग्राउंड 5 वोल्ट और ये सारे वोल्टेज यहाँ लिखे हुए हैं। तो चलिए थोड़ा सा वोल्टेज नापते हैं इसमें। और अभी सेट ऑन नहीं हुआ है, स्टैंड वाइज रिलीज नहीं हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे वोल्टेज नाप के दिखाता हूँ। देखिए देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे वोल्टेज नाप के दिखाऊंगा। और यहाँ पे ग्राउंड और ये यहाँ पे एसटीवी पे मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं थोड़ा सा जूम भी कम कर लेता हूँ इसमें। वो एसटीवी पे यहाँ मैंने पॉइंट रखा हुआ है, तो एसटीवी जब तक सेट ऑन नहीं होगा यहाँ से एसटीवी जाएगी नहीं इसको। और 5 वोल्ट देखते हैं, तो यहाँ आप मीटर पर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ आपको मीटर दिखा दूँ। यहाँ देखिए दोस्तों, मीटर के ऊपर 3.7 वोल्ट आ रहे हैं 5 वोल्ट की जगह। तो दोस्तों इसमें एक समस्या ये है कि जो बोर्ड को वोल्टेज चाहिए 5 वोल्ट, वो वोल्टेज इसको नहीं मिल रहा है। तो यहाँ देखते हैं फिर, देखिए यहाँ 14 वोल्ट दिखा रहा है। अब सेट ऑन हो जाएगा तो ये थोड़ा सा लोड आने पे कम हो जाएंगे वोल्टेज, तो इसमें 3 ही वोल्ट हैं। और अभी सेट ऑन नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसमें जो दिक्कत है दोस्तों, वो दिक्कत है दोस्तों इसमें कि 5 वोल्ट प्रॉपर तरीके से इसमें बन नहीं रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद जब ये धीरे धीरे करके इसमें, या तो इसकी सप्लाई में फॉल्ट तो है कि ये 5 वोल्ट पूरी तरीके से नहीं बना रहा है, इस कारण से ये सेट तुरंत स्टार्ट नहीं होता है। और आपको सेट ऑन करके दिखाता हूँ। एक बार दिखाया था मैंने कि इसमें कैसे लाइनें आ रही हैं, तो उसकी समस्या का कारण दोस्तों ये है, इसमें जो LED केबल है ये गड़बड़ है। बहुत समय होने के बाद क्या है, कड़क सा हो गया है, वायर अंदर से छोड़ पकड़ कर रहे हैं। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करके फिर आपको दिखाता हूँ। और आप देख लीजिए दोस्तों, ये पावर सप्लाई यहाँ पर इसका नाम भी लिखा हुआ है। और यहाँ मैं आपको कुछ वोल्टेज दिखाता हूँ। देखिए दिख रहे होंगे आपको, यहाँ पे हैंडसेट की ये मॉडल नंबर है इसका। और नीचे देख लीजिए, इसमें इनपुट सप्लाई 240 वोल्ट 50 मेगाहर्ट्ज़ से 60 मेगाहर्ट्ज़, मैक्सिमम 3 एम्पीयर 220 वाट है। और यहाँ आप देखेंगे 5 वोल्ट स्विच ऑन, 5 वोल्ट 5 वोल्ट मीडियम 2 एम्पीयर तक, 12 वोल्ट और 14 वोल्ट 5 एम्पीयर है, दोनों इसमें एंशन है। तो देखते हैं दोस्तों सेट ऑन होता है कि नहीं होता है, थोड़ी देर रुकेंगे। तो देखें दोस्तों, ये चालू हो गया सेट। और थोड़ा सा मैं आपको खड़ा करके एक बार दिखाता हूँ कि सेट थोड़ा इसे दिखा पाऊँगा। बहुत सेट भारी है दोस्तों, किस पे क्या डिस्प्ले बन रहा है, बहुत भारी सेट है। तो आप देखेंगे इसमें स्नो आने लगा, कि अभी आपको जो दिखाया था मैंने कि उसमें पट्टे पट्टे आ रहे थे, तो ये उसका LVDS केबल जो है ये गड़बड़ है। इसमें एक तो 5 वोल्ट सप्लाई की दिक्कत है, वो सही से नहीं बन पा रही है। और बाकी सेट ओके हो जाता है और ये हैंग मारता है, बोर्ड हैंग हो जाता है। इसमें रिमोट या कोई फंक्शन काम नहीं करता, पासवर्ड पर डाल दिया है और बहुत ओल्ड मॉडल का सेट है। तो दोस्तों अब मैं इसमें दूसरा नया बोर्ड लगाऊंगा और आपको नया बोर्ड लगा के दिखाऊंगा इसमें, और ये पार्ट 2 बनाऊंगा इसका दोस्तों। ये मेरा पार्ट 1 था, आपको उसमें वोल्टेज भी दिखाया मैंने और उसका जो फॉल्ट था वो भी क्लियर किया। तो दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद आपका।